543 में से 486 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी और अब बस बाकी है 57 सीटें। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरे साथ सत्ता का सातवां द्वार। सातवां द्वार तो समझते हैं ना, जिसने चक्रव्यूह का सातवां द्वार भेद लिया वही बनता है विजेता। तो क्या इस चुनाव का विजेता कौन होने वाला है, ये सातवां चरण तय करेगा? क्या 4 जून का रिजल्ट 1 जून की वोटिंग तय करेगी या फिर 6 चरणों में ही किसी ने सरकार बना ली है? वैसे सातवें चरण की वोटिंग से पहले आज पक्ष और विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई। आठ राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। गर्मी के प्रचंड प्रहार के बावजूद वीवीआईपी सीटों पर मतदान का क्रेज बरकरार रहा और इसी के साथ 486 सीटों का सस्पेंस ईवीएम में कैद हो चुका है। अब नजर 1 जून पर है, क्योंकि 1 जून को सातवें फेज की वोटिंग है। तो क्या नई सरकार को इन्हीं 6 चरणों में बहुमत मिल चुका है? क्या नरेंद्र मोदी तेजी से हैट्रिक की ओर बढ़ रहे हैं या फिर इंडिया गठबंधन के हिस्से करिश्माई प्रदर्शन आने वाला है? इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे वोटर से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों तक सत्ता के सातवें द्वार की अहमियत जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 1 जून को लेकर पक्ष और विपक्ष ने कैसे सारी ताकत झोंक दी है। आज नरेंद्र मोदी मिशन बिहार में जुटे, पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में रैली की, फिर पीएम यूपी के गाजीपुर पहुंचे। ये सीट बीजेपी के लिए टफ मानी जा रही है, क्योंकि यहां मुख्तार के भाई अफजाल से टक्कर है। तो वहीं अमित शाह ने हिमाचल में मोर्चा संभाला, हमीरपुर और कांगड़ा में शाह ने पब्लिक रैली की। राहुल गांधी के टारगेट पर रहा पंजाब, पंजाब में आखिरी फेज में 13 की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। आज राहुल ने अमृतसर में पब्लिक मीटिंग करके मिशन पंजाब की शुरुआत की। तो वहीं यूपी में इंडिया गठबंधन का चेहरा बनकर अखिलेश ने देवरिया और गोरखपुर में रैली की। यानी जब 6ठे चरण में जनता वोट दे रही थी, तब 7वें और अंतिम चरण के लिए हर पार्टी जी जान से चुनाव प्रचार में लगी रही। कहते हैं पब्लिक सब जानती है, सवाल है कि ये चुनाव आखिर किस ओर जा रहा है, पब्लिक के मन में क्या है? और दशकों तक राजनीति की करवट देखने वाले विश्लेषक इस चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं? तो तय बात है कि इंडिया गठबंधन को जो आस होगी वो अपने कर्मों से ज्यादा, अपनी लड़ाइयों से ज्यादा मोदी सरकार की विफलताओं की आस होगी। लेकिन सवाल यह है कि विफलताएं होंगी तो उसका कोई एक करंट होगा, एक कोई हालात होंगे। तो आज की दिशा में, आज की तारीख में कोई हालात नहीं दिख रहे हैं। आज एक वैक्यूम जरूर कभी कभी दिखता है, लेकिन कोई ऐसा हालात नहीं दिखते हैं जिससे कि ये लगे कि इंडिया गठबंधन बहुत उभार पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से 4 मुद्दे उछाले गए। पहला, संविधान बदल दिया जाएगा, दूसरा आरक्षण, तीसरा महंगाई और चौथा बेरोजगारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठा के विपक्ष के आरक्षण के मुद्दे को कुंद कर दिया गया। राष्ट्रवाद का मुद्दा इतना प्रभावी तरीके से चल रहा है कि उसके आगे महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा गौड़ हो गया है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है, सत्ता विरोधी लहर 2014 में दिखाई दिया था। 2019 और 2024 के चुनाव में मोदी विरोधी लहर इस देश में दिखाई नहीं दे रही है। चुनाव अब आखिरी पड़ाव पर है। लोकतंत्र का ये महापर्व चक्रव्यूह से कम नहीं है और चक्रव्यूह वही भेद पाया है जिसने सातवां द्वार ढहाया है। सबको इस सातवें द्वार की कीमत का पता है, इसीलिए सातवें चरण की वोटिंग से पहले पक्ष और विपक्ष से बयानों की बौछार भी बहुत तेज हो गई है। बिहार में बीजेपी और आरजेडी में रार का ये लेटेस्ट ट्रेलर देखिए। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर
नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहां पड़े हैं चक्कर में? नहीं है कोई तेजस्वी यादव जी के टक्कर में। हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होगा तो फिर जब आपकी सत्ता से विदाई होगी तो फिर आपको चक्कर लगेगा। इसलिए जेल का चक्कर का धमकी दे करके आप जनता के दिलों पर जो तेजस्वी यादव जी राज करते हैं उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। आप पूरी तरह से चुनाव हार चुके हैं, सत्ता से बाहर जाने का समय आ गया। अब आप ये सब चक्कर में मत पड़िए। यानी दोनों ओर से आक्रामक बैटिंग हो रही है, गेम ऑन है। मैदान में मौजूद टीमों को यही लग रहा है कि बाजी वही जीतेंगे। दर्शक अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, इस हाई वोल्टेज मुकाबले के रिजल्ट पर डिबेट कर रहे हैं। सस्पेंस भी गजब का है। बहुत से राजनीतिक धुरंधरों के लिए ये चुनाव करो या मरो का सवाल है। लेकिन राहुल गांधी दूसरों के कंधों पर रह करके कितना आगे बढ़ जाएंगे, ये सवाल है। उनको खुद को क्या मिल रहा है, दक्षिण में उनको कितना मिल रहा है? जो संभावनाएं जितना थोड़ा मोटा मिलता था पहले वाले दक्षिण के राज्यों में वो अलग है, लेकिन एक उम्मीद की किरण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। आंध्र में बहुत कम है, ना के बराबर है, तेलंगाना में थोड़ी बहुत है, बाकी कर्नाटक है उनके पास में थोड़ा सा, अगर उम्मीद की किरणों वाला देश राज्य है। बाकी सब जगह तो जब हम पुराने आंकड़े गिनाने लगेंगे कि 280 से जब सीटों पे आमने सामने लड़ाई होती है तो कितनी सीटें बचती हैं, 90% सीटों पर हारते रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी और ममता बनर्जी जी क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? अब आप इनको इंडिया गठबंधन के जो सीट समीकरण है उसमें देखिए तो पहला तो ममता बनर्जी जी इंडिया ब्लॉक से बाहर चली गई, क्योंकि वो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में बिल्कुल ही स्पेस नहीं देना चाहती थी। तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी पश्चिम बंगाल में नहीं बढ़ने पाए, इसके लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया। अखिलेश जी और तेजस्वी जी की तरफ से जो गठबंधन के तहत कांग्रेस को सीट दी गई है उससे अंदाजा लगाइए कि ये दोनों पार्टी के नेता अपने अपने राज्य में कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि जिस कांग्रेस का वोट के साथ ये अपने दल को आगे बढ़ाए हैं और राज्य में अपने आप को स्थापित किए हैं, यदि वो वोट कांग्रेस के साथ वापस चला गया तो इनका राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा। ABP News आपको रखे आगे।